हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट स्कीम जिसे अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। सो लेट अस लुक इनटू द फीचर्स ऑफ दिस स्कीम, द इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसने लॉन्च किया, कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इस स्कीम को। तो दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाई द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और यह स्किल इंडिया मिशन के अंदर लॉन्च किया गया है। नाउ आपको पता होगा स्किल इंडिया मिशन इज़ अ फ्लैगशिप मिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जिसके अंदर जो यूथ है हमारी कंट्री का जो यूथ है उसे हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि दे विल बी मेड एलिजिबल फॉर द न्यू काइंड ऑफ जॉब जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है एंड फर्दर दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकॉनमी। तो स्किल इंडिया मिशन के अंदर लॉन्च किया गया है इस स्कीम को। उसके बाद बेनिफिशियरीज कौन है इस स्कीम की, तो ये टारगेट कौन है इस स्कीम के, तो वही बेनिफिशियरीज हैं जो पीएम स्वनिधि स्कीम के बेनिफिशियरी थे, स्ट्रीट वेंडर्स। बेसिकली पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च किया गया था अभी कुछ साल पहले लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं छोटे मोटे उनको माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 10,000 और जिससे वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पाए, ठीक है, और वो फर्दर इम्पावर हो पाए। तो उन्हीं वही जो टारगेट्स थे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उस स्कीम के अंदर, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है इस स्कीम के अंदर भी। तो इस स्कीम में किया क्या जाएगा, नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्कीम। तो इसके अंदर हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर 22 वीक्स, जिनमें उन्हें थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों दिया जाएगा कि हाउ टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, उन्हें इम्पावर किया जाएगा और ये 22 वीक्स तक ये ट्रेनिंग चलेगा और उसके बाद उन्हें एक हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो ट्रेनिंग है ये तीनों मोड में चलेगा, यानी ऑफलाइन मोड में भी किया जा सकता है इसे, ऑनलाइन मोड में भी, और एक हाइब्रिड मोड यानी द मिक्सचर ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में। तो ये जो ट्रेनिंग है ये तीनों मोड्स में प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। बेसिकली इसके अंदर उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे हम लोग, उनको बिजनेस एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगे। ये बेसिकली इट इज़ ऑन द सेम लाइन ऑफ द विजन ऑफ आवर गवर्नमेंट, दैट इज़ टू क्रिएट मोर जॉब क्रिएटर्स, ठीक है, जॉब क्रिएटर्स बनाना, ना कि जॉब सीकर्स। तो ये उसी विजन पे ये अलाइन करता है ये जो स्कीम है। उसके बाद फिलहाल जो है इस स्कीम को 10 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, सिटीज़ लाइक वाराणसी, भोपाल, डिब्रूगढ़, ऐसे सिटीज़ में अभी फिलहाल के लिए इसे लॉन्च किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट। आने वाले टाइम में इसे फर्दर और एक्सपैंड किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इस स्कीम का ये है कि इसमें फोकस है कि 40% जो है वो वुमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए इस स्कीम में, जो कि फर्दर वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करेगा और साथ ही वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी में, उसको बढ़ाएगा। सो ये रहा ये स्कीम। दिस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज जो हमारी गवर्नमेंट है इट इज़ फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो इसलिए ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी शॉर्ट कंटेंट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग जेन स्टडी।